Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मतलब आप देख रहे हैं राजस्थान तक के प्रोग्राम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम झालावाड़ के मतदान केंद्र संख्या 32 पे पहुंचे हैं, जहां थोड़ी देर बाद वसुंधरा राजे यहाँ पर मतदान करने वाली है। ये मतदान केंद्र है, इस मतदान केंद्र 32 है, जहां पर अभी थोड़ी देर में मतदान शुरू होने वाला है। 7 बजे के करीब मतदान शुरू होगा। ये मतदान केंद्र में 1010 वोट है, जिसमें वसुंधरा राजे का एक अपना वोट है, उसके उनके पुत्र जो वोट करेंगे, दूसरी बार वोट करेंगे, उनका भी यहाँ पर वोट है। ये जो झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ पर 20,30,525 यहाँ पर वोट हैं, और यहाँ पर पोलिंग बूथ 2,177 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें झालावाड़ जिले का जो पोलिंग बूथ है 455 के करीब यहाँ संवेदनशील बूथ है। जहाँ पर जो 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी में अच्छी फाइट देखने को मिली है। चुनाव प्रचार में जरूर भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने लगातार यहाँ दौरे किए हैं। बड़े नेताओं में जेपी नड्डा यहाँ पर आए हैं, वसुंधरा राजे भी करीब एक दर्जन से ज़्यादा आम सभाएँ दोनों क्षेत्र के अंदर करी हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने यहाँ पर प्रमोद जैन भाई, जो अशोक गहलोत सरकार मंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी जो 12 की जिला प्रमुख है उर्मिला जैन भाई को यहाँ से चुनाव में मैदान में उतारा है। लगातार यहाँ पर संपर्क में रहे वो भी, और उन्होंने भी छोटी छोटी पब्लिक नुक्कड़ मीटिंगें और रोड शो किए। इसके बाद यहाँ पर अशोक गहलोत की भी एक सभा हुई, जो छिपापड़ोत के अंदर हुई, पब्लिक मीटिंग हुई। तो कांग्रेस की तरफ से कोई ज़्यादा बड़ा राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे खुद एक सेलिब्रिटी है, स्टार प्रचारक है, और वो लगातार अपने पुत्र के लिए लगे भी थी। और तो उन्होंने यहाँ पर जो मतदान जो प्रथम चरण के राजस्थान का प्रथम चरण हुआ, जहाँ पर मतदान प्रतिशत 5% से कम हुआ, तो यहाँ पर ये दोनों प्रत्याशी इस कोशिश में लगा हुआ है, साथ जिला प्रशासन भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं 70% के आसपास होना चाहिए। तो ये झालावाड़ का जो अभी मतदान शुरू होने वाला है, लोगों में उत्सुकता तो है ही सही कि मतदान में जाएं। लोगों से हमने बातचीत की है, फील्ड के अंदर भी गए, तो लोग ये चाहते हैं कि हम मतदान अपना प्रयोग करें। अब ये देखने वाली बात है कि आज क्या है कि शादियां ज़्यादा हैं, सावे का सीज़न चल रहा है, दूसरा है गर्मी भी है, लेकिन सुबह के टाइम थोड़ी बरसात हुई है, हल्की फुल्की बरसात हुई है 4 बजे के करीब, तो हो सकता है थोड़ा मौसम यहाँ पर दिन में थोड़ा सही रहे। और ये जो थोड़ी देर में यहाँ पर मतदाता यहाँ पर आना शुरू हो गए इस पोलिंग बूथ के अंदर, और दिखाइए कैमरामैन थोड़ा, ये जो मतदाता आ रहे हैं, अभी चालू नहीं हुआ मतदान, तो ये लगातार यहाँ पर मतदाताओं का आना शुरू हो गया है। अभी क्योंकि गर्मी पड़ेगी, 10 बजे के बाद यहाँ पर टेम्परेचर 41 के ऊपर चला जाता है, क्योंकि झालावाड़ वो क्षेत्र है जहाँ पर गर्मी भी बहुत अच्छी पड़ती है, लेकिन इस बार जो गर्मी का मौसम के अंदर यहाँ पर चुनाव में थोड़ी ठंडाई दिखी है। झालावाड़ से फिरोज अहमद, राजस्थान तक।